हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो आज जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साइंस का एग्जाम लिया है, उसके लिए हम लोग फर्स्ट सिटिंग का 40 ऑब्जेक्टिव आंसर की लेके आए हुए हैं। सारा ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपको सौरभ सर का साइंस का VVI लॉन्ग का तो पता चल ही गया होगा, पूरा एक एक VVI लॉन्ग हम लोग का क्वेश्चन गेस किया हुआ आपके परीक्षा में आया हुआ है। तो चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए मैट्रिक इंटर के लिए VVI गेस प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो सेट डिस्कस करेंगे ये जे सेट है, जे सेट वाले डायरेक्ट मिलान करेंगे। और आपको एक और बात बता दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मांगते हैं दूसरे सेट के आंसर, तो आपको बता देते हैं क्वेश्चन सबका सेम रहता है, केवल क्वेश्चन का ये नंबरिंग जो होता है वो इधर उधर रहता है। तो दूसरे सेट वाले के लिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप क्वेश्चन को सुन के मिला लीजिए, आपको ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये स्केटरिंग ऑफ लाइट को करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पूछा है, तो कैसा रहता है? तो देखिए ऐसा जैसे रहे, जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड, कितना हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका इथेनॉल होता है, क्या होता है, इथेनॉल होता है, यही देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, यही इथेनॉल होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ए फूड चेन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, घास घास को खाती है, बकरी बकरी को खाता है इंसान। तो ऐसे करके आपको ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है। दूसरे ग्रुप जे ग्रुप का आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरे ग्रुप में भी क्वेश्चन सेम है, केवल नंबरिंग अलग अलग है, तो आप लोग क्वेश्चन को सुन लीजिए, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, और जो आंसर हो रहा है सही ऑब्जेक्टिव का, जो भी ऑप्शन सही हो रहा है उसका आंसर भी बोल दे रहा हूँ। तो दूसरे सेट वाले क्वेश्चन को सुन के मिला लीजिए, जे सेट वाले डायरेक्ट मिलान कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये चेंबर पूछा है जो हार्ट में होता है, तो 4 होता है, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ह्रास कहलाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले इसे रिडक्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी जो आधुनिक वाला है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या पूछा है, तो जो ऐसे ऐसे रहता है ये ग्रुप रहता है, समूह रहता है, और ऐसे ऐसे पीरियड रहता है, तो ऐसे वाला 7 रहता है और ऐसे वाला पूछा ये 18 रहता है, तो इसका कितना करेक्ट हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा, तो डी जो मारे हैं उनका सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्यों होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्रोण का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, तांबे की तार की एक आयतकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका हो जाएगा आधा, आधा के बाद परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर, हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, सल्फर परमाणु की ब्राह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आपको हम लोग बताए थे कि 11 का सी हो जाएगा, कितनी होती है, 6 होता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन कीजिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, कितनी हो गई लास्ट में, 2 और 4 6, तो 6 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, कितने हैं, 6 हैं, तो 6 इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है, तो इसका ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये कहाँ से होता है, तो आपको ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितना आपको अथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका सही हो जाएगा अग्नाशय से ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मिडियम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो 16 का करेक्ट हो जाएगा बी, एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, बहुत लोग इसमें 25 सेंटीमीटर मारे हैं, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर जो जनरल होता है नजदीक का होता है, इसमें दूर का पूछा है, तो दूर का हो जाएगा अनंत, दूर का हो जाएगा अनंत, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो ग्रीन हाउस गैस इसके लिए आता है, ग्रीन हाउस में आपका कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो इसमें ऑप्शन में तो केवल आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, तो CO2 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें वेस्ट पूछा है, तो थर्माकोल हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्माकोल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मृतजीवी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति की निरूपित करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, I² R हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो ब्रेन हो जाएगा, दिमाग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो क्या लगाते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण लगाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस वर्ण रंग का तरंग द्रय सबसे बड़ा है, तो लाल का है, लाल का सबसे बड़ा, भिवग्योर पढ़े होंगे, भिवग्योर पढ़े होंगे, और इधर से सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसका हो गया, रेड हो गया, लाल का हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो इसमें बायोमास हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कौन अंततः अस्त्रावी और ब्राह्मस्थायी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो 29 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, वृषण। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है, आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पुष्प का नर जनांग कहलाता है, पुंकेसर सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस देश का उपयोग, सॉरी 33 कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा अथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है, हमारी एक्सपर्ट टीम एनालिसिस करके आपके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार करती है, तो चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार कर देता है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बालों की प्रकृति, बाल की प्रकृति वंशागत नहीं होती है। शुद्ध जल का पीएच पूछा है 37 में कितना होता है, 7 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 38 कह रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो 38 का सी हो जाएगा, C2H4। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो इसमें हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन ए एक आबंध। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो यूनिट है, क्या है व्यापारिक मात्रक, यूनिट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 1x140 क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चैनल पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स, टेक केयर।